रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नाउ व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले बचपन से एक डेफिनेशन को पढ़ते आए हैं कि हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स, और फिर हमने इसमें एक वर्ड ऐड किया था डेरिवेटिव्स का। अब हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव कोई भी होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिम्मे में चला जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो डेरिवेटाइजेशन में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे आपके पास सल्फर डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स होते हैं, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, फास्फोरस डेरिवेटिव्स होते हैं वगैरह वगैरह, हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, जिस तरह आपके पास SHO, तो ये फंक्शनल ग्रुप थायोल का है, अगर हमारे पास OH आए तो अल्कोहल है, NH2 आ जाए सिंगल बॉन्ड के साथ तो अमाइन है, N के साथ डबल बॉन्ड आया हो तो ईमाइन है, इसी तरह आपके पास फास्फोरस के साथ फॉस्फेट्स हैं, हैलाइड्स है वगैरह वगैरह, आप लोग इन चीज़ों से फेमिलियर हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, N2H4 हाइड्राजीन, इट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो अब N2H4 में कार्बन नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल ये ऑर्गेनिक है। अगर मैं बात करता हूँ CCl4 की, तो भाई CCl4 में आपको हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, तो क्या ये ऑर्गेनिक है? यस इट इज ऑर्गेनिक, क्योंकि ये डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं बल्कि उनके डेरिवेटिव्स को भी स्टडी करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं विद बॉन्ड एनर्जीज एंड व्हाट आर द बॉन्ड एनर्जीज, टोटल एनर्जी जो किसी रिएक्शन में इस्तेमाल हो रही है। हमने देखा था कि हमारे पास प्रोडक्ट्स की एनर्जी में से रिएक्टेंट्स की एनर्जी को माइनस किया जाता है। प्रोडक्ट जब बनते हैं तब एक्सोथर्मिक एनर्जी निकलती है, रिएक्टेंट्स जब टूटते हैं उसमें एंडोथर्मिक एनर्जी होती है। ये फिजिकल केमिस्ट्री में हम पोर्शन करके आए हैं, इसके यूनिट्स आपको पता है किलो जूल पर मोल है, पर मोल का मतलब है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ब्रेक करना। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो एनर्जी है, इसी तरह डबल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एनर्जी इसकी गिवन है। अब इस एनर्जी के ऊपर कुछ फैक्टर शामिल होते हैं जो इन एनर्जीज के हवाले से डिस्कशन होती है। रेडिकल आपने बनाना है तो उसके लिए एनर्जी डिफरेंट है, ये एनर्जी की वैल्यू 7 ऐड की गई है। टोटल एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की एनर्जी के बराबर होती है। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर जो हमें याद रखना है वो है बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है। देखिए बॉन्ड जितना आपके पास बॉन्ड लेंथ स्मॉल होती जाती है, बॉन्ड एनर्जी उतनी बढ़ती जाती है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में सबसे छोटी लेंथ है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और ये अक्सर और बेशतर पेपर्स में आया होता है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी ज्यादा है या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी ज्यादा है या कार्बन सिंगल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी डबल बॉन्ड से ज्यादा है, जो आपने यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, यहाँ से हम हैसेज लॉ अप्लाई करते हैं। हमने हैसेज लॉ की थोड़ी प्रैक्टिस भी की थी जब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े थे, किस तरह से हम हैसेज लॉ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स अ पोर्शन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, बट हमें यहाँ जरूरत नहीं है। तो बस याद रखें कि हैसेज लॉ से आप लोग बॉन्ड एनर्जी कवर कर सकते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन या अगर कोई सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन इसका सॉल्व करना चाहता है तो वो मैं उसको भेज सकता हूँ, लाइक जब मैं होगा आफ्टर द लेक्चर तो मैं ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप एक आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अब बॉन्ड एनर्जीज का अगर ऑर्डर देखा जाए तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज्यादा होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, इसी तरह हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रो आयोडिक एसिड। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, गो कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो नहीं है, लेकिन जब हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर बहुत मैटर करता है। जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। अब अगर आप इसको तवज्जो से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। अब बॉन्ड एनर्जी कम होने से ये चीज मुराद है कि उस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। जब आप किसी चीज को फ्रेगमेंटेशन आराम से कर लेंगे तो आप उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को जल्दी अचीव कर लेंगे, और जब जल्दी अचीव कर लेंगे तो उसका रिएक्शन ज्यादा होगा। अच्छा, इसके ऊपर कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे साइज ऑफ एटम कितना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है और बॉन्ड लेंथ कितनी है। तो ये आयनिक करेक्टर जो है इसको हम जब इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जाते हैं तो हम पोलर करेक्टर के साथ मर्ज करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर भी हो सकते हैं। तो जितनी ज्यादा पोलैरिटी बढ़ती जाती है उनमें बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होती जाती है।
साइज ऑफ एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और बॉन्ड लेंथ है। अगर इसे बात की जाए तो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना और कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना, तो बॉन्ड एनर्जीज देखी जाएंगी ना कि किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा और किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। ये हाइड्रोजन के लिए गिवन है, ये आप एनर्जी सिंपल एक बार पढ़ लीजिएगा लाइक जस्ट याद करने के लिए। ये इसमें ऐड किया गया था पोर्शन न्यूमेरिकल टाइप की, अगर कोई बच्चा कैलकुलेट करना चाहता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ एनर्जी तो वो यहाँ से कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं वो, कि ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए बात की गई है। इसका मुराद ये नहीं है कि इसे आपने वाकई कोई लाइक ऐड करना है या इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा सच पूछेगा। बॉन्ड लेंथ में ये है कि आपके पास स्मॉलर बॉन्ड लेंथ और लार्ज एनर्जी, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बॉन्ड जो एनर्जी है वो तकरीबन 96.5 किलो जूल पर ग्राम पर मोल जो एनर्जी है ना ये आपके पास मौजूद होगी। तो ये बॉन्ड एनर्जीज की दो तीन बातें थी जो हमने डिस्कस करनी थी। अब आ जाते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट कंसिडर होता है। सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट को कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड इंड्यूस्ड बाय एन एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। आपके पास कोई कंपाउंड है ए और एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं, इस एक्स की टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन खींचने की या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप्स लगे होते हैं और वो ग्रुप्स जो हैं वो एनर्जी लूज भी कर सकते हैं, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन खींच भी सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं टूवर्ड्स एटम और फ्रॉम दी ग्रुप और टूवर्ड दी ग्रुप। तो ये किसकी वजह से होता है, ये परमानेंट डाइपोल की वजह से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ड्यू टू परमानेंट डाइपोल, ये बात आप लोग ज़हन में रखेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर फॉर्मल चार्जेस क्रिएट होते हैं, जिनको नहीं पता फॉर्मल चार्जेस का याद रखिएगा ये रेगुलर चार्जेस नहीं होते। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में NH3 से लॉन पेयर डोनेट करते हैं BF3 में, तो ये जो लॉन पेयर जहां से जा रहा होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसकी तरफ जा रहा होता है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। दीज आर नोन एज फॉर्मल चार्जेस, ये रेगुलर चार्जेस नहीं होते। लेकिन अगर मैं बात करूं हम इथॉक्सी मिथॉक्सी आयन की, तो यहाँ पर जो चार्जेस आ रहे होते हैं ये परमानेंट चार्जेस होते हैं। तो फॉर्मल चार्जेस और परमानेंट चार्जेस में ये डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना ये ऑपरेट करता है सिग्मा बॉन्ड से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इंडक्टिव इफेक्ट जब ऑपरेट करेगा उसमें सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। ये आप लोगों ने याद कर लेना, रट्टा लगा लेना कि इंडक्टिव इफेक्ट जब ऑपरेट करेगा तो वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है, इसमें पाई बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो रहा होता। डायपोल डायपोल इसमें मोमेंट इंक्लूड होती है। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट पाई से जा रहा होता है लेकिन इसका इफेक्ट बाद में पाई बॉन्ड पे थोड़ा बहुत आता है, वो हम आगे जाके एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ ग्रुप वो हैं जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, उसको नाम दिया जाता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और कुछ वो हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिनको नाम दिया जाता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब इससे बड़े ऑब्जेक्टिव जो है ना वो बनते हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर बात की जाए, मैं एक तो एग्जाम्पल्स के साथ इसको क्लैरिफाई करता हूँ। सपोज मेरे पास CH3 COOH, ठीक है, ये मेरे पास एक एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड ये करता है कि उसके अंदर से एच पॉजिटिव आयन रिलीज होता है, CH3 COO नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव। अब मैं इसकी एसिडिटी को बढ़ाना चाहता हूँ या कम करना चाहता हूँ, तो मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट क्या रोल प्ले करेगा, तवज्जो देंगे। हमारे पास दो किस्म के ग्रुप हैं, एक वो हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और एक वो हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। अब ये मेरे पास इस फॉर्म में रहेगा तो ये ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है देखें, इसके अगर मैकेनिज्म में हम थोड़ा सा जाएं तो जो हमारा एसिटिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O और यहाँ पर नेगेटिव। अब ये यहाँ से एच पॉजिटिव रिलीज हुआ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की निशानी ये है कि वो ज्यादा देर तक एच पॉजिटिव आयन को सोल्यूशन में रहने देगा, और एक वीक एसिड की निशानी ये है कि वो थोड़ी देर के लिए उसको सोल्यूशन में रहने देगा। अब अगर यहाँ पर मेरे पास ये जो ग्रुप लगा होगा
ये मेन ग्रुप मेरे पास यहाँ पर अटैच है। मैं इस ग्रुप में कुछ मॉडिफिकेशंस करता हूँ। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो ये रेजोनेट करेगा, किस तरह से रेजोनेट करेगा, कुछ इस फॉर्म में कि हमारे पास सी ओ, अब ये डबल बॉन्ड ओ बन गया और ये नेगेटिव हो गया और ये पीछे जो ग्रुप है वो वैसे ही लगा हो गया। अब जो इसको अगर ओवरऑल बनाया जाए तो हम इसको ओवरऑल कुछ इस फॉर्म में बनाते हैं कि हमारे पास है CH3 सी ओ ओ और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में रेजोनेट कर रहा होता है। अब अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप लगाता हूँ जो यहाँ से एटम खींच सकता है, तवज्जो देंगे जरा। अब ये मेरे पास एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है, मैं इसको जरा मैनेज कर दूँ और उसके बाद मैं उस स्ट्रक्चर की तरफ आता हूँ जिसकी वजह से हम इसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे या इसकी एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। ओके ले जी, अब यहाँ तवज्जो देंगे। अब मेरे पास ये है CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ नेगेटिव और यहाँ पर मैं एक ग्रुप लगा देता हूँ इसके साथ एन ओ टू। अब इस NO2 पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब ये जो NO2 ग्रुप लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की ताकत रखता है, ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे। तो इसके यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस जगह पर, अब ये सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इन दो कार्बन के ऊपर था वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि NO2 जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसका दिल करता है कि इसके पास से इलेक्ट्रॉन आए ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। अब इसके साथ NO2 ग्रुप लगा हुआ है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो पहले से मौजूद थे इस पोजीशन पर अब वो इस NO2 की तरफ खींचे जाएंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा डीलोकलाइज होगा। ये बात बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगी, डीलोकलाइज करेगा वो, और जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी इलेक्ट्रॉन एक जगह पे फिक्स नहीं होगा जिसकी वजह से एसिडिक करेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। ये बात याद रखनी है कि अगर आपके पास डीलोकलाइजेशन हो तो एसिडिक करेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट ऑर्गेनिक एसिड इंक्रीज कर जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ रुका नहीं ना हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ रुका रहेगा तो ये हाइड्रोजन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस पॉइंट को अगर आप लोग जहन में रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर है तो ये इसके साथ दोबारा अट्रैक्शन बना सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ कहीं चला गया तो अब इसकी अट्रैक्शन वहां पर होना जरा ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। पहला इसमें आपने ये रूल याद रखा। अच्छा, जितने ज्यादा ग्रुप बढ़ाता चला जाऊंगा उतना ज्यादा इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ता चला जाएगा और जितने ग्रुप कम करता जाऊंगा उतना इसका एसिडिक करेक्टर कम होता चला जाएगा। ये छोटी सी बात है जो आप लोगों ने अपने जेन में रखनी है और इस चीज को अंडरस्टैंड करना है ताकि इसके बाद जब हम आगे एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको ग्रुप देख के अंदाजा हो जाए कि ये ज्यादा होगा या ये कम होगा। अच्छा, मैं इसके साथ एक और एग्जाम्पल लगाता हूँ और उसके बाद हम दोबारा अपने नोट्स की तरफ चलेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सपोज लेट्स से हम एक और ग्रुप की बात करते हैं, मैंने यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया CH2 के साथ CH2 ये बात सी ओ नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव और यहां पर जो मैं ग्रुप लगा रहा हूं सपोज वो मैंने लगा दिया CH3 एंड CH3। अब ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, आप तवज्जो देंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रुप से जो अभी हमने इसके ऊपर लगाया
एक तो ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाह रहा है कि वो इधर आए, डीलोकलाइज हो ताकि एज पॉजिटिव देर तक वाटर में मौजूद रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले से अवेलेबल है वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की जो डीलोकलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, और फिर ये दोबारा ये नेगेटिव अनस्टेबिलिटी की वजह से दोबारा एज पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो लोकलाइज्ड करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी लोकलाइजेशन, और जब यहाँ लोकलाइजेशन हो जाएगी तो एसिडिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, एसिडिक करेक्टर डिक्रीज, यहां पर वो इंक्रीज कर रहे हैं। अब अगर आप इसकी ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो वो यहाँ पे पूछते हैं, ये एम यूनस साहब की किताब में बकायदा लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखें आयोडो एसिटिक एसिड जो है वो 40 टाइम्स मोर है सिंपल एसिटिक एसिड से। क्यों, एसिडिटी क्यों बढ़ गई उसकी, क्योंकि वो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का है। ये देखिए तीन क्लोरीन लगाए हुए हैं मैंने, तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, 10^4 टाइम्स बढ़ गए। फिर यहां देखें अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड 10 टाइम लेस एसिडिक देन एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो अभी मैं हाईलाइट करने लगा। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, अच्छा ये फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की स्ट्रेंथ कंपैरिजन आया होता है, आप में से जिसने कभी भी कोई एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा कि ये स्ट्रेंथ की कंपैरिजन वो लाजमी पूछते होते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे एनटीएस का है, चाहे एफपीएससी का है, चाहे वो पीएफएससी का है, चाहे कोई भी टेस्ट है, इवन पीपीएससी के टेस्ट में भी उसने ये चीज जो है वो पूछी होती है, बस उसका थोड़ा सा अंदाज डिफरेंट हो सकता है, कॉन्सेप्ट यही होता है। अब आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कंपैरिजन करवाया जा रहा है, यहां से इस कॉन्सेप्ट को जरा सीख लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप कॉन्सेप्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ। जब मैं बात करता हूं एच सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, तो जब ये आयंस में कन्वर्ट होगा तो ये बनेगा एच सी डबल बॉन्ड ओ O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, इसकी विसिनिटी में आपको ये ग्रुप नजर आ रहा है सिर्फ H। अब H एक एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, कितना को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई खास फर्क क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर यहां पर मैं इसकी बात करूं एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O O एंड H, अब यहां पर क्या होगा कि आपके पास जो रिएक्शन है जो ये आयंस में कन्वर्ट हो रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, तो अब ये ग्रुप जो यहाँ इसके साथ अटैच हुआ हुआ है ये इसको ज्यादा पुश करेगा, क्योंकि ये ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो इसकी एसिडिटी कम होती जाएगी। अच्छा अगर मैं कह दूं आपके पास ये ऑब्जेक्टिव है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O H, अब देखें इसके अंदर आपके पास जो ग्रुप अटैच हुआ हुआ है वो आपके सामने है, दो गुना बड़ा ग्रुप है, दो ग्रुप लगे दो है ना कार्बन, तो ये मजीद बल्कि होता जाएगा। फिर ये कैटेगराइज करेगा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में, 2015 का पेपर उठा कर देखे पीपीएससी का, डायरेक्टली एमसीक्यूज पूछा हुआ है उसने किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, तो वो किस वजह से कमियां ज्यादा हो रही है, वो इस वजह से क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा चलें एक ऑब्जेक्टिव है, चैट बॉक्स में जिसको आंसर आता हो वो जरूर बताए कि मेरे पास एक ये है CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O OH,
फाइव कार्बन वाला मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, तो इसके अंदर हमारे पास पांच कार्बन आ गए। अब पांच कार्बन आ रहे हैं इसकी और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इन दोनों में से कंपैरिजन करके बताइए कि ज्यादा एसिडिक कौन सा, सॉरी ज्यादा एसिडिक बिल्कुल कौन सा होगा, ए पार्ट या बी पार्ट। जी शाबाश, जल्दी से आंसर करें इसको। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एनीबडी, हमारे जो पुराने ग्रुप के मेंबर हैं, जो लोग चल रहे हैं हमारे साथ, उनका तो ये रेगुलर लेक्चर ही है ना उनके लिए। ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ए में होगी, यानी आपके मुताबिक बच्चों का भी ए जो तरह है। यही आंसर है एक्चुअली, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, ए की स्ट्रेंथ ज्यादा है और बी की स्ट्रेंथ कम है, यही बात है। अच्छा चले देखते हैं। यहाँ पर भी कार्बन उतने लगे हुए हैं जितने वहां पर कार्बन है, यानी अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर भी चार कार्बन है और यहाँ पर भी चार कार्बन है, लेकिन अब उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई है। टर्शरी वाले इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल चेन, तो मैं कह सकता हूं क्योंकि ये टर्शरी चेन है और ये मेरे पास प्राइमरी चेन है, नॉर्मल चेन है, तो नॉर्मल चेन और टर्शरी चेन में टर्शरी चेन की वजह से एसिडिक करेक्टर कम होगा। अब यहां से इसका रिवर्स बताइएगा, सेम इसी को जेन में रखते हुए आंसर कीजिएगा। अगर मेरे पास ये वाला हाइड्रोकार्बन, अभी मैं बेंजीन की तरफ जाऊंगा, सॉरी NH2, और दूसरा मेरे पास ये ए है और बी वाला इसी तरह का मेरे पास है, जल्दी से बताइए बेसिक करेक्टर किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं जल्दी से, ए या बी, किसका बेसिक करेक्टर ज्यादा है। शाबाश, आप डायरेक्टली मीटिंग में ग्रुप में मैसेज करें, बिल्कुल ठीक है। अब बी का ज्यादा क्यों है, क्योंकि जितनी ज्यादा लोकलाइजेशन होगी एसिडिक करेक्टर कम होगा, बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा। ये कंपैरिजन आपसे पूछे जाते हैं हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ना, ये कंपैरिजन बेसिक कॉन्सेप्ट में वो पूछते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब यहां से इंडक्टिव इफेक्ट की लिमिटेशंस को डिस्कस करने लगा हूं मैं, और फिर मैं इसके आगे दूसरे इफेक्ट की तरफ जाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप मुझे इस बात का रिप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये मैं इसलिए ज्यादा फोकस करके करवा रहा हूँ क्योंकि ये वाले ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं। सर एक बच्चे को समझ नहीं, दोबारा रिपीट कर दें। मैं अभी रिपीट कर देता हूँ जी। जी जो आपके पास बेसिक करेक्टर है, बेसिक करेक्टर का मतलब है एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना। अब यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए हैं ये वाले, जितनी जल्दी ये लॉन पेयर यहां से निकलेगा, ये लॉन पेयर यहां से जितनी जल्दी किसी के मिलेगा ये उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। यहां पर एक कार्बन ये वाला और एक कार्बन ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहे हैं, जबकि यहां पर एक दो और तीन कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इस कार्बन को जो डायरेक्टली इसके साथ लगा हुआ। इसका मतलब यहाँ डोनेशन इफेक्ट ज्यादा है, तो ये लॉन पेयर बहुत जल्दी आगे की तरफ जाएगा। एसिड होगा तो ये कम हो जाएगा करेक्टर, बेसिक होगा तो वो करेक्टर बढ़ जाएगा। ये पॉइंट समझ आया आपको, अब होपफुली ये आ जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि ये आ गया होगा पॉइंट समझ। ठीक है ओके। तो यहां से क्योंकि बेसिक हाउ नो, तो आपको डेफिनेटली इन कॉन्सेप्ट्स की मौजूद होगी, मैं क्योंकि क्रिटिकली रिव्यू करवा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये किस तरह से चलते हैं। अच्छा ये देखें, ये जी दोस्तों मेरे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर पोजीशंस होती हैं, तो बच्चा चैट बॉक्स में बता सकता है इसकी चार पोजीशंस कौन सी होती हैं। एनीबडी, बेंजीन के अंदर चार या तीन या जो जितनी भी पोजीशंस होती हैं वो कितनी होती हैं।
ऑर्थो मेटाफेरा, जी आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। अब यहां पर ऑर्थो मेटाफेरा की बात नहीं हो रही, आपको ये आइडिया नहीं है कि बेंजीन में चार पोजीशंस होती हैं, तीन पोजीशंस नहीं होती। तवज्जो देंगे जरा, अब आप कहेंगे चार पोजीशंस तो हमने कभी सुनी नहीं। ये वो पहली पोजीशन है, आप कहेंगे पहली के बाद तो ये एक्टिव होती है। अब आप अगर इसको किसी अच्छे लिटरेचर से स्टडी करेंगे, अच्छे लिटरेचर का मतलब होता है कोई ए लेवल की किताब, कोई अच्छी पेविया वगैरह की आप पढ़ें, तो ये ऑर्थो है। चलें आज ये भी ऑब्जेक्टिव क्लियर करें अपना, ये मेटा है, ये पैरा है, और इस पोजीशन को हिप्सो पोजीशन कहते हैं। 2017 में ये एमसीक्यू पूछा गया था और वो हिप्सो पोजीशन लोगों को पता ही नहीं था, तो उन्होंने कहा, और ये एनटीएस के अंदर ऑब्जेक्टिव आया था जो 16 की सीट थी, हिप्सो का बारे में पूछा गया था एसएस की सीट में कि हिप्सो क्या चीज होती है। हिप्सो असल में वो पोजीशन है जो पहली अटैच हुई है। अभी मैं ऑर्थो मेटा पैरा की तरफ नहीं जा रहा, अभी मैं हिप्सो पोजीशन की बात कर रहा हूँ कि इस पोजीशन पर अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हुआ है तो क्या होगा। तवज्जो देंगे जरा, असल में ये इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक ही इतना वास्ट है कि ये करते करते ना काफी टाइम लग जाता है, लेकिन ये आपको दो चार कॉन्सेप्ट जो मुझे पता है कि कभी भी क्लियर नहीं होते स्टूडेंट के जल्दी, वो इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आप लोग क्लियर करके जाएं वो कॉन्सेप्ट। मैं जैसे अपने तमाम बाकी ग्रुप मेंबर्स को यही कहता हूँ, केमिस्ट्री सीखने के परस्पेक्टिव से पढ़ें, रट्टा लगा के या ये चीज़ों ये इसको याद कर लो इसको याद करो, वो मैं बताता रहूंगा कि क्या याद करना है, लेकिन आपने इसको सीखने के परस्पेक्टिव से पढ़ना, याद करना वो सब कुछ होता रहेगा। अच्छा पढ़ाने वाले बनना है आपने तो आप अच्छा सीखें। मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, फर्ज करें ओ एच ग्रुप। अब आप लोग जानते हैं कि यहां से जो लॉन पेयर है वो पहले इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये फिनोल जो है इसका एच पॉजिटिव आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रेजोनेट करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो इन शॉर्ट आपके पास ऑर्थो और पैरा पोजिशन, यानी दो ऑर्थो की पोजीशन, पैरा की पोजीशन जो है ये एक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से इस बेंजीन के ऊपर जब कभी अटैक होना होगा, तवज्जो देंगे जरा, इस बेंजीन के ऊपर जब कभी फिनोल लगाओ यानी ओएच ग्रुप लगाओ, फिनोल हो, और मैं इसके ऊपर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को यानी पॉजिटिव चार्ज को, हाईली पॉजिटिव चार्ज को अटैक करवाऊंगा, तो मेरे पास दो पोजीशंस आ जाएंगी। एक मेरे पास आएगी ऑर्थो, अब ऑर्थो दोनों साइड पे आइडेंटिकल है, और एक पैरा पोजीशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यही रेजोनेट कर रहे हैं ना। इसका मतलब यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट आएगा ऑर्थो पोजीशन पे, जो भी वो पॉजिटिव स्पीशी बनी हुई है, या तो वो इस ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगी या इस पैरा पोजीशन पे अटैच होगी। मैं यहाँ पर उसको पॉजिटिव पॉजिटिव लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो कि वो इस जगह पर अटैच हो रही। ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसको नाम दिया जाता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का। अब जरा थोड़ा सा इसको हम यूं करेंगे ताकि आप लोग इसको समझ लें। ये हमारा केमिस्ट्री में जो यूं का लफ्ज़ है ना, असल में ये हमने हमारा खुद साख्ता ड्राइव्ड लफ्ज़ है, जिसे हम ये सीखते हैं कि जब केमिस्ट्री हमारे दिमाग में यूं कर रही होती है तो हमें कई चीज़ें समझ ही नहीं आती। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ये आप लोग सारे जानते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा और फिर आप लोग बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर रहे हैं, यूं हो गया है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन आ रही है, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं ये सेकंड ईयर की बुक में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करते हैं विद इन द रिंग, और जब वो विद इन द रिंग रेजोनेट करते हैं, लेट मी शो यू द रेफरेंस एज वेल, कि ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर घूमते हैं बेंजीन रिंग में, ठीक है। ये इंशाल्लाह जब मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो हक्कल रूल वगैरह पढ़ाते हुए ये चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ कि किस तरह से असल में इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर असल में होता क्या है,
ये वहां पर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे जरूर, तो यहाँ से ना आपको 11 चैप्टर में जो अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर का चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा कि फिनोल का एसिडिक करेक्टर क्यों है, और उसके अंदर ये बात बड़ी वाजिया लिखी गई है। अगर आप यहाँ देखेंगे, जस्ट लुक ओवर हियर, ये आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, आई एम वेरी होपफुल कि नजर आ रही होगी। ये जो पिक्चर आपके सामने है ये फिनोल की पिक्चर है, कि जब इलेक्ट्रॉन इस रिंग में रेजोनेट करते हैं, मेरे पास टाइम शॉर्ट है, सारा बना नहीं सकता, तो ये इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद वो इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ये रेजोनेट कर रहा है ना, मैं इस पिक्चर की बात कर रहा हूँ, कि वो तीन पोजीशन पे, या ऑर्थो पोजीशन पर आएगा, या पैरा पोजीशन पर आएगा, या ऑर्थो पोजीशन पर आएगा। तो जब ऑर्थो मेटा और ऑर्थो पोजीशन पर आता है, तो ये देखें, ये उसने यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है कि आपके पास या वो ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप अटैच होंगे या वो पैरा पोजीशन पर ग्रुप अटैच होंगे। और इसी बात को यहाँ 9th चैप्टर में जब उसने डिस्कस किया है, तो उसने यहाँ लिखा है कि ऑरियंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज के जब रिएक्शन होते हैं तो आपके पास ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन बनती है। उसको यहाँ मेंशन करना चाहिए था ये हिप्सो पोजीशन है, लेकिन उसने मेंशन नहीं की। खैर, उसने यहाँ लिखा है कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ये देखें उसने नीचे बड़ी वाजिया लाइन, दोज ग्रुप्स आर रिलीज इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग। ये जो इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग की तरफ जाना है, असल में ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और वो फैसिलिटेट करते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक एडिशन को, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग एडिशन को, ठीक है। ये बात मैं कर रहा था यहाँ पर अपने इस बात में, आई एम होपफुल कि ये आपको अब समझ आ जाना चाहिए या आ गया होगा। तो ये बात मैंने यहाँ की है कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन जो है वो एक्टिव हो जाती है, ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। अच्छा जी, अब देखें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका FSC में जिक्र नहीं है, इसका मतलब बना नहीं हुआ, ये असल में बना हुआ है उसमें BSc की बुक में। अब यहाँ देखिएगा, इसको मैं जनरली जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, कि ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और मैंने इस पे लगा दिया NO2 ग्रुप। अब NO2 ग्रुप जो है इसका काम क्या है, कि ये बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो नेगेटिव है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी वजह से ये चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, इसको स्टेबल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतर आएंगे, जिसके बाद आपके पास जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेंगे तो ये पोजीशन पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन का पॉजिटिव हो जाना इस बात की इंडिकेशन है कि आपके पास अब मेटा डायरेक्शन के लिए सिर्फ एक पोजीशन बची है और वो मेटा पोजीशन। इसीलिए वो कहता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये देखें यहाँ उसने लिखा हुआ है, ये जो उसने बात लिखी है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, और आप देखें NO2 ग्रुप को डीएक्टिवेट करता है, इसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो ऑर्थो पैरा को एक्टिव करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं वो किसको करेंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये तो हमें एक छोटी सी बात थी जो मैंने यहाँ पे हमने सीख ली। अब जरा इससे थोड़ा सा यूं करते हैं ताकि हमें एक ऑब्जेक्टिव की समझ आए, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने इसका आंसर करना है, और फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा, और फिर ये भी पता करेंगे कि हम लोगों की असल में कॉन्सेप्ट का लैग किधर है। इसके बाद फिर इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे इनसे रिलेटेड, क्योंकि इनसे रिलेटेड MCQs आता है, जो यहाँ पर समझदार लोग मौजूद हैं, समझदार तो माशाल्लाह सारे ही हैं, लेकिन ये है कि उनको, जिन्होंने पेपर का एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, उनको आइडिया होगा कि वो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ले जी, अगर मैं बेंजीन के साथ क्लोरीन को अटैच कर दूं, सबसे पहले बताएं क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्योंकि ये हम पढ़ के आए हैं कि डाइपोल पे डिपेंड करता है। शाबाश, मैसेज करें ग्रुप में, विड्रॉइंग है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाता है कि मेटा पोजीशन पे जाता है,
ये ऑर्थो और पैरा, और ये है मेटा जी। इसका मतलब अगर मुझे इस ग्रुप के साथ कोई ग्रुप अटैच करवाना है, जैसे मैं साइलेशन करवाता हूँ या अल्काइलेशन करवाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री, तो मेरे पास तीन पॉसिबल प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। तीन पॉसिबल प्रोडक्ट कौन से हैं, मैं बनाता हूँ। इस तरह का ऑब्जेक्टिव दिया होगा उन्होंने, और ये आप लोगों जो एमएससी में आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है, स्पेशली जो मेरे दोस्त पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फॉलो कर चुके हैं, उन्होंने ज़रूर इस तकलीफ से गुजरे होंगे वो, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने इस तरह का सही बुरकस निकाला होता है। ये क्लोरीन लगी हुई है, अब उन्होंने ये तीन दिए हुए हैं और उन्होंने आपसे ऑब्जेक्टिव ये पूछा है, भाई जल्दी से बताएं ये CH3 यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा जी, ए बी और सी, क्योंकि डी तो नन ऑफ दीज आना है, तो ए बी सी देख लेते ना, हम डी को छोड़ ही देता है जी। शाबाश, बताएं जी आंसर क्या होगा। अच्छा जी, अब्दुल हफीज सब कह रहे हैं ए, ठीक है, और नफीसा है जी वो कह रही है बी, और बताएं, शाबाश बी, गुड गुड गुड, शाबाश, एंगेज हो सारे, रिस्पॉन्स करें जैसे आपने ऑर्थो मेटा पैरा पे रिस्पॉन्स किया था जल्दी जल्दी। ए एंड सी, मरियम असद कह रही है। अच्छा, अब यहां पर जो आंसर आया ना, वो असल में दो या तीन लोगों ने सही आंसर दिए, मोहम्मद इरफान भी ठीक कह रहे हैं, आयशा सरवर भी ठीक कह रही हैं। ओके, नाउ सी, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ये वाला, वो तो ऑर्थो और पैरा पे नहीं जाता, वो तो मेटा पे जाता है, लेकिन इसके साथ दूसरा इफेक्ट इन्वॉल्व होता है जिसको नाम दिया जाता है, तो बच्चा नाम बता सकता है उसका, उस इफेक्ट को क्या कहते हैं जी? शाबाश, उस इफेक्ट का क्या नाम होता है? एनीबडी एनीबडी? मीजोमेरिक, शाबाश। अब ये मीजोमेरिक इफेक्ट क्या चीज है? जो आपका ये इलेक्ट्रॉन जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इसकी लिमिटेशन है कि ये चीजों को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जैसे आपके पास सब्स्टिट्यूशन ऑफ इसकी है। अब ए एंड सी का आंसर आया था, अगर मैं कहूं कि ए पे और सी पे बिल्कुल ठीक आंसर है, ए और सी दोनों पे प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रोडक्ट किसके पास बनता है? इसमें ज्यादा प्रोडक्ट आपका सी के पास बनता है, इस पे मोर प्रोडक्ट बनेगा। जिसने सर की बुक पढ़ी हुई है, जो अपने हैं बीएससी वाले, मतलब नाम से निकल गया, मोहम्मद यूनुस साहब, सॉरी, तो इसका मोर प्रोडक्ट क्यों बनता है? क्योंकि इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करने होते हैं, लेकिन मीजोमेरिकली ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। मीजोमेरिक इफेक्ट को नाम दिया जाता है लोन पेयर डोनेशन इफेक्ट, लोन पेयर डोनेशन। एक चीज वो लोन पेयर डोनेट कर रही है, अब ये देखिएगा जरा तवज्जो से, ये है जी आपके पास वो बेंजीन, और क्लोरीन की कोशिश है बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लें, हमने मान लिया। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन के ऊपर खींच रहा है, लेकिन ये बेंजीन रिंग में इसके जो लॉन पेयर हैं, अब ये लॉन पेयर क्लोरीन के पास कैसे हैं? 17 इसका एटॉमिक नंबर है, नियॉन तक 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 3s2 3p5, अगर आप इसको बनाएंगे तो 3s2, ये उन दोस्तों के लिए जिनको मेरी तरह केमिस्ट्री नहीं आती ज्यादा, तो 1 2 3 4 और 1 5, तो ये तीन इसके लॉन पेयर हैं। मतलब ये आपको बताने का मकसद कोई ये नहीं है कि आपको नहीं आता होगा, लेकिन कोई होता है ना जिसको लॉन पेयर का वो भूल भूल गया होता है, ये तीन लॉन पेयर हैं जो मैंने इसके ऊपर डॉट्स बनाए हैं। अब ये लॉन पेयर इसके अंदर क्या करता है, रेजोनेट करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से
बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक्टिवेट ये किस पोजीशन से करता है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन से करता है। लेकिन फिर ऑर्थो पोजीशन पे क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, अब ये रिंग के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा होता, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा होता है। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब किसी रिंग के इलेक्ट्रॉन खींचना नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड इफेक्ट कहते हैं। कि जो ये पूरा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड आया होगा ना इसके ऊपर, वो क्लाउड असल में इसकी तरफ खींचा जा रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग में रेजोनेट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे टीचर बच्चे को डांट रहा है कि तुम कॉलेज नहीं आते, तो टीचर का अपना बच्चा बाहर सिगरेट पी रहा है। तो ये इस तरह की मिसाल हो जाएगी कि आप बच्चों लोगों को डांट रहे हो और इस अपने बच्चे को संभाल देते, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ खींचे जा रहे हैं, तो पूरा क्लाउड इसकी तरफ झुक जाता है ऐसे क्लोरीन की तरफ, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन अंदर रेजोनेट करता है। और इसके अंदर इस इफेक्ट में याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव है बड़ा स्ट्रॉन्ग, कि मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो इस केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव, जिसकी वजह से वो ऑर्थो और पैरा पे जा रहा होता है। आई एम प्रिटी श्योर कि ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा आज से पहले, इंशाल्लाह आप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब मैं हम खुद पढ़ते थे तो हमें इस क्वेश्चन की समझ नहीं आती थी। मैं फिर बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का खींचा जाना, इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर की तरफ जाना उस क्लोरीन की तरफ, ये इंडक्टिव इफेक्ट है। पूरा वो खींच रहा है अपने, तो पोलर बॉन्ड है ना, बॉन्ड को पोलर कर रहा है। लेकिन बॉन्ड की पोलैरिटी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जो ये लॉन पेयर हैं ये रेजोनेट नहीं कर सकते। क्लोरीन के लॉन पेयर जो हैं वो बिल्कुल रिंग के अंदर रेजोनेट कर सकते हैं, और वो उसी तरह उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एक्टिव करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये यहां से आपके पास मीजोमेरिक इफेक्ट है। जी, मीजोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट का डिफरेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट असल में सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका खींचा जाना, जबकि मीजोमेरिक इफेक्ट लॉन पेयर की रेजोनेंस है। लॉन पेयर डोनेशन इफेक्ट, या आप इसको कह लें लॉन पेयर डोनेशन से ज्यादा अच्छा वर्ड आएगा लॉन पेयर रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड कलर्ड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कलर्ड कंपाउंड होते हैं? अच्छा, ये बताएं ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कलर हो सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर तो क्रोमोफोर या इस तरह का कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप कैसे कह रहे हैं, कैसे, हाउ, इसकी कोई रीजन किसी को पता? CH2 ग्रुप अगर मैं इसमें लगा दूं, CH3 CH2OH, तो क्या ये अल्कोहल का रंग नजर आता है किसी को? अल्कोहल का कभी कलर पढ़ा आप लोगों ने? कभी आप लोगों ने इस गैस का कोई कलर सुना है, डबल बॉन्ड का? कभी भी नहीं सुना होगा। लेकिन क्या वजह होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कलर होते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर आपके पास एक इफेक्ट आता है जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। जी मिस बाप ठीक कह रही हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन जो है ना, ना ना ना, हाइपर कॉन्जुगेशन और चीज है, कॉन्जुगेशन और चीज है, दोनों को कंफ्यूज ना कीजिएगा प्लीज। हाइपर कॉन्जुगेशन असल में उसके अंदर ही हाइड्रोजन की डोनेशन है, वो सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो डोनेट हो रहा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या चीज है ये देखो। जी, एजो डाइस पे जिन्होंने काम किया हो, कलर डाइस पे काम किया हो, शाबाश। ये जरा देखिएगा, ये मेरे पास एक एल्कीन है। अच्छा आगे देखो, लो जी ये कार्बन आया, ये फिर कार्बन आया, ये कार्बन आया, ये फिर कार्बन आया। चलो मैं जरा यहाँ पर आप इसकी थोड़ी सी यूं यूं करता हूँ, यानी जरा आपके स्टाइल के मुताबिक इसको पढ़ाते हैं, ताकि सारे जो माशाल्लाह
केमिस्ट यहाँ मौजूद हैं, उनको जरा पता चले थोड़ा सा कि हम इसको कुछ यूं यूं भी कर सकते हैं। मैं इन सारों के डबल बॉन्ड नहीं बना रहा, बस याद रखे मैं इनके ऊपर ये बना रहा हूँ पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? पाई बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है ना, इससे मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, ठीक है जी। सी और सी प्रोडक्ट क्यों मोर होता है? देखिए जो क्लोरीन है ना, ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी विसिनिटी यहां से ये पॉजिटिव हो जाती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये दूर है ना, तो क्लोरीन इस तक अपना इफेक्ट नहीं ला पाता। यहां से क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच रहा होता है, इस वजह लॉन पेयर इसका इसमें घूम रहा है, लेकिन यहां पर वो जरा थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, इसलिए जो आने वाला पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव से रिपेल होता है और इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। चलें जी, ये देखिएगा, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड। अब ये है कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स, ये है कॉन्जुगेशन। अब जरा तवज्जो देंगे, जब हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेशन की, तो कॉन्जुगेशन की वजह से मुझे ये बताएं, क्या इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड नहीं बन सकता क्या? पाए उधर बन सकता है, तो इधर भी बन सकता है ना, क्या इधर नहीं बन सकता? ये भी बन सकता है। जब इनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा तो ये आपके पास क्या आएगी, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। इसमें कॉन्जुगेशन हो रही है, और कॉन्जुगेशन कॉज डीलोकलाइजेशन, और क्योंकि कॉन्जुगेशन जो है वो डीलोकलाइजेशन क्रिएट करेगी, तो जब डीलोकलाइजेशन होती है तो आपके पास वेवलेंथ लैम्डा लॉन्गर की तरफ शिफ्ट होती है, एब्जॉर्प्शन लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है, विजिबल कलर आता है जी। कोई आप में से बता सकता हो ये विजिबल कलर किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऐसी चीज का जो आप रेगुलर देखते हैं? शाबाश, कोई बता सके, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पूछा गया है पुराने पेपर्स में, इसलिए बता रहा हूँ। शाबाश, कोई चीज आपका बोल नहीं यार। चलें इसकी एग्जांपल, लाइकोपीन जी। लाइकोपीन किसमें मौजूद होती है? शाबाश, लाइकोपीन रेड कलर की होती है, आप बता दें किसमें मौजूद होती है? और कड़ाई गोश्त खाने वाले मेरे दोस्त किधर हैं? लाइकोपीन किसमें मौजूद होती है जी? शाबाश, बताएं। टमाटर में, गुड। और टमाटर जो है ना, यूं यूं हो रहा है ना थोड़ा सा इसको, कि जो लाइकोपीन है ये टमाटर में मौजूद है, और भाई टमाटर के अंदर क्या है? कॉन्जुगेशन है, यही लाइकोपीन आपके तरबूज में भी मौजूद है, आपके जितने फ्लेवेनॉइड्स होते हैं जी। नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट है इधर कोई? अगर है तो उसको पता होना चाहिए कि आपके पास जो फ्लेवेनॉइड्स होते हैं वो उसको जो स्मेल टेस्ट और दे रहे हैं वो इस वजह से दे रहे होते हैं, इनमें कॉन्जुगेशंस आ रही होती हैं, इसमें एस्टर लिंकेज बन रहे होते हैं, तो ये लाइकोपीन लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ डीलोकलाइजेशन की वजह से कॉज होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका सारी जिंदगी याद रखिएगा कि कॉन्जुगेशन कॉज डीलोकलाइजेशन, जिसकी वजह से आपके पास ये कलर कम शो करता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी प्रॉपर्टी कलर शो करना नहीं होती है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से हम चलेंगे कुछ मजेदार ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, और वो मजेदार ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है जी। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लोग फील्ड इफेक्ट कहते हैं। ये देखिएगा जरा, ये मेरे पास पहला इलेक्ट्रॉन इधर से निकालना सक्सेनिक एसिड है, चार कार्बन लगे ना, ये डाई एसिड है, पहला निकालना आसान है, दूसरा निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि पहला जब निकाल दिया तो ये नेगेटिव हो गया और इसने इस पूरी फील्ड को नेगेटिव कर दिया। आप एक जगह से गुजरें, आपको ठोकर लगे और आप गिर जाएं, तो आपका कोई बहन भाई वहां से गुजरने वाला होगा तो आप कहेंगे वहां पर खड्डा पड़ा हुआ है, भाई ध्यान से आना। पहला नेगेटिव चार्ज इस फील्ड के अंदर इस पे एक क्रिएट कर देगा, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, इस पे एक फील्ड क्रिएट करेगा, इसके ऊपर एक ऐसे
इलेक्ट्रॉन यू क्लाउड सा क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। इस इफेक्ट को फील्ड इफेक्ट कहते हैं, और फील्ड इफेक्ट जो होता है वो स्पेस के थ्रू एक्टिव होता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस जितना क्या नाम है कम होता जाता है, दिस डिक्रीज विद डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना डिक्रीज होता जाएगा। चार कार्बन के दरमियान में ज्यादा होगा और आठ कार्बन के दरमियान में कम होगा। ये ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड एनायन जो है ना, वो इस फील्ड इफेक्ट पे डिपेंड करती है। याद रखिएगा, कोई कैटाइन या एनायन कितना स्टेबल है वो फील्ड इफेक्ट से पता चलता है। ये आगे जाके मैं जब आपको मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें हम ये चीज सीखेंगे कि ये फील्ड इफेक्ट किस तरह से उसके ऊपर असरअंदाज होती है। अच्छा, ये डायपोल मूवमेंट जी हमने उसमें किया था। मैं डायपोल मूवमेंट से यहाँ पर आऊंगा सबसे पहले, ताकि वो ऑब्जेक्टिव आप लोग कर सके। ये देखें, यहाँ पर हमने आना, और यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव है असल वाले जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये मैंने कॉन्जुगेशन के बारे में बताया, डबल बॉन्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस को हाइपर बॉन्ड कॉन्जुगेशन कहते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की जो कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये देखें, ये एच पॉजिटिव आइन है जो यहाँ से ये बॉन्ड इधर जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इसको आप लोग कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको सेकेंडरी रेजोनेंस भी कहते हैं। लेकिन अभी जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे डिटेल में, उस वक्त इसके बारे में पढ़ लेंगे। रेजोनेंस से आपने बेंजीन के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। खैर, ये देखें, अब यहाँ पर ये मेसोमेरिक इफेक्ट था जो मैंने अभी आप लोगों से इंडक्टिव इफेक्ट के साथ डिस्कस किया। ये सिर्फ क्योंकि आज डेमो लेक्चर चल रहा था, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें बताऊं, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आइदर यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस सेशन और नॉट, तो वो आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं ना, मेरा मेन फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है। मतलब मेरा मेन मकसद जो है ना यहाँ पे, वो केमिस्ट्री सिखाना है, हमने केमिस्ट्री को पढ़ना है। हम अगर इसको अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो हमें इंशाल्लाह ताला इसका स्कोप तभी मिलेगा जब हम इसको सही तरह से सीखेंगे। ये रेजोनेंस के सिमिलर है। अच्छा, ये देखिए, मैं यहाँ बात करता हूँ पॉजिटिव एम इफेक्ट, नेगेटिव एम इफेक्ट। पॉजिटिव यानी कौन डोनेट कर रहा है और कौन विड्रॉ कर रहा है। अब आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये देखिए, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और नेगेटिव ही उसके अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट। ये आर का मतलब रेजोनेंस या मेसोमेरिक, एक ही बात होती है। आर इफेक्ट भी कह सकते हैं, एम इफेक्ट भी कह सकते हैं। अब ये दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव का मतलब क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, पैरा, उसके बाद ऑर्थो, और सबसे कम मेटा। अच्छा, ये देखें, पॉजिटिव आर एंड पॉजिटिव आई इफेक्ट, चलिए ये तो सिंपल है। मैं यहां पर आता हूं इसके ऊपर, ये एक इफेक्ट की हम बात करते हैं। पॉजिटिव मेसोमेरिक है, नेगेटिव इंडक्टिव है। क्या मतलब ये कि वो इंडक्टिवली उसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं, यानी ऑर्थो और पैरा पे जाना चाहिए, और रेजोनेंस इफेक्ट कहता है, सॉरी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में उसको मेटा पर आना चाहिए, सॉरी मेटा पर आना चाहिए, और पॉजिटिव आर इफेक्ट कहता है उसको ऑर्थो या पैरा पे जाना चाहिए। अब इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव है लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव है, तो ऑर्थो मेटा पैरा, ये इसका रूट बनता है। अब इसकी रीजन क्या है, सोच के बताएं, पता नहीं लगाना हमने सिर्फ, शाबाश, चैट बॉक्स में बताएं। थोड़े से मैंने जरा मतलब इसको हार्ड किया है जरा क्वेश्चंस को, लेकिन उसकी कोई रीजन है ना। नहीं, मेरे पास पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। कंफ्यूज हो गए, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर डोनेट कर रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए
तो हमें याद रखना है कैसे, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, सारी जगहों से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये वाली पोजीशन होगी, तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन जो डोनेट होगा वो पॉजिटिव पोजीशन पर होगा, क्योंकि मिजोमेरिकली वो पॉजिटिव है ना, इंडक्टिवली नेगेटिव है लेकिन मिजोमेरिकली पॉजिटिव है। इसलिए ऑर्थो पोजीशन सबसे पहले कवर होगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि इसके करीब है। अब ये देखें, इसको जरा बनाते हैं, मैं बना के दिखाता हूं। ये थोड़े ना बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे पता, थोड़े से ये मतलब है, मतलब थोड़े से सब सूखे सूखे कॉन्सेप्ट कहते हैं। आप जरा देखिएगा, तवज्जो दीजिएगा, मेरे पास है ये बेंजीन रिंग है, और ये है आपके पास COOH। आपने हिप्सो पोजीशन सबसे पहले बना ली। अब आपने देखा कि हिप्सो पोजीशन के ऊपर सबसे पहले ये जो COOH ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच रहे हैं, इसका मतलब ये पोजीशन सबसे पहले पॉजिटिव होंगी। और जब मैं बात करूंगा इस ग्रुप की, ये जो इसके साथ अटैच होने के लिए आर है, इसके ऊपर ये लॉन पेयर है, वो सबसे पहले इस पर अटैच करेगा, जिसकी वजह से ये यहां पर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मिस मारिया खलील जी, ये मैडम ने बताया कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नो, लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उसकी रीजन है वो क्यों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन। कार्बन का हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कोई चीज नहीं लगी जी। जी जी बिल्कुल, जो एक सिंगल ग्रुप लगा होगा हिप्सो ग्रुप ही आएगा। तो ये देखें मैडम, यहाँ पर COOH ग्रुप लगा हुआ है, अगर तो यहाँ पर ये O और ये CH3 है, तो ईथर ईथर टाइप ग्रुप है ना, ये एरोमेटिक ईथर है, और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, वो सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक, वो जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनके अंदर मौजूद होती है, जिसकी वजह से सोल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज या डिक्रीज करती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर तो देखें बाकी तो सारे हाइड्रोजन हैं, तो इन्होंने तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करनी। सुप्रा मॉलिकुलर केमिस्ट्री में कुछ आइडिया दिया जाता है कि एक इसमें पाई पाई स्टैकिंग होती है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें मौजूद होती है, लेकिन दैट इज अनदर स्टोरी। तो ये देखें, यहां से आपके पास जो ग्रुप अटैच हुए हैं इनको तवज्जो देंगे, तो एक ग्रुप आपके पास ये है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो नेगेटिव है, लेकिन मिजोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव, इसलिए पहले औरतों पे आएगा, फिर मेटा पे, और लास्ट में पैरा। ये एक्सप्लेनेशन जो है, ये डेफिनेटली ये डिटेल में करने वाली एक्सप्लेनेशन है, लाइक हम इसको एक या दो या तीन, देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी आफ्टर COOH अटैच टू ऑर्थो पोजीशन। देखें ऑर्थो पोजीशन पर मैंने अटैच कर ली, किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, क्वेश्चन तो ये है ना हमारा कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ करेगा। ये देखें, ये एक ग्रुप है असल में। अब आप इसमें से मुझे आपका माइक अनम्यूट कर दें, सर माइक अनम्यूट कर दें मैम का, मे बी कोई नई चीज सीखने को मिले। ये है असल में, इसमें कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल जी,
जी आप इसमें प्लीज मिसबा आप हैंड रेज करें, आपको अनम्यूट कर देते हैं। सर परमिशन मिल चुकी है, जी जी ये कर सकते हैं। जी जी आप अनम्यूट करके पूछ लेंगे क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है, शायद हो सकता है कि आपको इसमें कोई नई चीज पता हो, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई किस्सा नजर नहीं ना आ रहा। एक तो ये है मेरे पास, अब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसने करनी, या तो इसका सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा जिसके अंदर इसको ऐड किया हुआ है, अगर वो पोलर और उसमें एच पॉजिटिव आयन पार्शियल पॉजिटिव आयन मौजूद है तो। जी प्लीज अनम्यूट कर लें अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें कुछ बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं तो। आई थिंक सो, वो चलें करना नहीं चाह रहे सर। चलें कोई बात नहीं है, लाइक आई लाइक दिस थिंग कि अगर आप लोग पूछते। जी जी जो ईथर ग्रुप है सर, हाँ जी सर इसमें जो ऑक्सीजन है वो कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन के साथ भी नहीं बना सकता हाइड्रोजन। आप यहाँ की बात कर रहे हैं कि ये वाला ग्रुप जो है वो इधर से दो जगहों पे अटैच है, ये ऑक्सीजन जब एक तरफ से हाइड्रोजन के साथ अटैच है तब तो इसकी पार्शियल नेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन अगर इसका लॉन पेयर इफेक्ट यहाँ जा रहा है तो आपने वो लाइन पढ़ी होगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लॉन पेयर का रेजोनेट होना जरूरी होता है। अगर आपको फर्स्ट ईयर का चौथा चैप्टर याद है तो उधर लिखा हुआ है कि लॉन पेयर रेजोनेट करता है उस ग्रुप के अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। तो अगर वो पॉजिटिव एम इफेक्ट दे रहा है तो उसका लॉन पेयर तो यहाँ बिजी है, वो यहाँ कहाँ जाएगी। इसका जो ओ है ना, ये वाला अवेलेबल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इसके साथ यहाँ पर कोई ग्रुप लगा होता, इसके साथ एच टाइप होता, तो इसको वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता। इसका मैं रेफरेंस आपको दे देता हूँ ताकि वो रेफरेंस पॉइंट आपको याद रहे। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ना फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग असल में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है ना सिर्फ, इसके ऊपर भी गो के इख्तलाफ किया जाता है, लेकिन मैं अभी उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली वो बता रहा हूँ ताकि वो आपका जो है ना उसमें वो क्लियर हो जाए सारा कुछ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब वो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर उसने ये बात डिस्कस की हुई है, ये देखें द ऑक्सीजन एटम्स ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स लिंक टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन विद यूजिंग वन ऑफ इट्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने यूज करने, वो तो नहीं, जी ये चीज है। अब देखिए उसका लॉन पेयर वो पॉजिटिव एम इफेक्ट दे रहा है, जब वो पॉजिटिव एम इफेक्ट दे रहा है तो वो यहाँ से इसके लॉन पे डोनेट करना थोड़े से जरा मुश्किल होते हैं, ये बात जेन में रखिएगा। इसलिए हम यहाँ पर उसके अंदर उस कॉन्सेप्ट को इंक्लूड नहीं करते। देखिए मुझे हमेशा क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आपके क्वेश्चन से आप भी लर्निंग करते हैं और हम भी लर्निंग करते हैं। इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यू एंड मी, इट्स एक्चुअली अ हेल्दी डिबेट दैट हाउ वी कैन इम्प्रूव अवर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू दैट टिपिकल सिनेरियो। तो इसमें कोई मजाक नहीं है, आपको क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है ऑर्गेनिक ऐसी चीज है जिसमें लाजमी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, नो डाउट इसमें। खैर तो ये बड़े टिपिकल किस्म के कॉन्सेप्ट होते हैं, ये GRE जो है ना, ये आपका खासतौर पर EDXL के सिस्टम का, ये सारे ऑब्जेक्टिव मैंने वहां से निकाले हुए हैं। तो ये सारे आपके पास एसिडिटी कैसे होती है, कल हम इसी ग्रुप के ऊपर डिस्कस करेंगे एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर, और फिर हम लास्ट में इसको एंड करके, तो एक लास्ट सिर्फ मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। आई हैव अनदर क्लास नाउ। ये देखें ये सारे मैंने ऑब्जेक्टिव इसमें ऐड किए थे जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, कि अगर आप इनको पढ़ेंगे तो ये आपको समझ आएगी कि कौन सी चीजें किस तरह, और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अच्छा यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग सारे पीएच के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वैसे तो ये टॉपिक ज्यादातर इनऑर्गेनिक में डिस्कस होता है, लेकिन चलें इसको हम अभी इसलिए डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आप एसिड्स को पढ़ रहे हैं। पीएच की वैल्यू क्या होती जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच?
इसकी रेंज क्या है? हाँ, 1 to 14 नहीं दोस्त, 0 to 14 होगी। गुड, मैं कहता हूं एक कंपाउंड है जिसको मैंने डीएमएसओ में सॉल्व डिसॉल्व किया, तो वजह देनी है। मैंने उसको डीएमएसओ में डिसॉल्व किया है, उसकी पीएच आ रही है -3। आप बताएं पहले ये बात दुरुस्त है या गलत है? ओके, गलत। मिस मारिया खलील। ओके, मिस मारिया खलील इज एन एनालिटिकल केमिस्ट एट स्ट्रेट। अच्छा, चले, ये सारे हमने पढ़ा, हमने इसको सीखा। आप जरा ये देख के मुझे बताएं, जब आप पी एच प्लस पी ओ एच निकालते हैं, आप ये एच पॉजिटिव कहाँ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? आप इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वाटर में, 25 डिग्री सेल्सियस पे। के डब्ल्यू ऑफ वाटर कितना होता है? मैट्रिक वाले जी आ जाएं, यही लिखते हैं हम लोग। ये किसकी वैल्यू है? के डब्ल्यू ऑफ वाटर, वो एसिड और बेस जो वाटर में डिसॉल्व किया जाता है उसकी पीएच 0 से 14 तक होती है। डीएमएसओ इज नॉट वाटर। जी, मिसबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पीएच कैन बी लेस देन 3, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 14, डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट। मैं यहाँ पे के डब्ल्यू वैल्यू की बजाय फर्ज करें मैं यहाँ पे लगाता हूँ के डीएमएसओ, फर्ज करें ये वैल्यू आती है 1.0 × 10⁻¹⁸। सपोज आप मुझे बताएं कि ये 18 में जा रही है, तो आपके पास 0 से 9 की एक रेंज आएगी, 9 से 18 की दूसरी रेंज आ जाएगी। पीएच डिपेंडेंट होती है उस सॉल्वेंट की। वाटर में मैक्सिमम वो कितनी जा सकती है? 0 से 14 तक। चलें, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है जो यूं यूं करने लगे हैं, उसके बाद हम गायब हो जाएंगे। सॉरी भाई, उनसे फिर माजरत जिनको सिर्फ एफएससी थोड़ी सी बुरी लगती है, सिर्फ तवज्जो देनी है जरा, बहुत मजा आएगा। आप ये जरा थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि वी आर हेयर टू लर्न कॉन्सेप्ट। बाकी आपका रिस्क आपके मुकद्दरों के साथ है, आप मेहनत करेंगे आपको वो जरूर मिलेगा। ये देखिए, मैं कहता हूं ये मेरे पास है अल्काइल, सॉरी यहाँ बना लेते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैंने अपनी क्लास भी करवानी है। CH3 CH2 Cl, इसको मैंने ऐड किया 1 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इसको मैंने ऐड किया 1 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। दोनों मुझे प्रोडक्ट बता सकता है आप में से कोई क्या बनेगा? अनम्यूट करके बता दें। FSC है। सर, सेकंड केस में ना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। क्यों होगी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन? अच्छा, यहाँ क्या होगा और फर्स्ट केस? एल्केन्स बनेंगे। अच्छा, यहाँ क्या बनेगा? लगे बंदो ये अल्कोहल बन जाएगी ना, वाला SN2 और ये E2, ये आ गई ना। होगी। अच्छा बताइए ये क्या है और ये क्या है? दोनों में ये तो सेम है। ये सर, मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर मैं कर रहा हूँ। सर ये बीटा एलिमिनेशन हुई है यहाँ पे सेकंड जी, बीटा एलिमिनेशन होगा, बिल्कुल सही। वाले केस में। ये बीटा एलिमिनेशन हो गई है हमारे पास, इसमें हमारे पास ऑर्डर उसका आ गया, टू सब चीजें होगी, वो हम अल्काइल ऐड में पड़ेंगे। जी सर। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर ये हो क्यों रही है? आप अल्कोहल तो वही है, ये KOH तो वही है, रीजन क्या? एनीबडी? सर जहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो रही है
वहां पे हम कहते हैं ना ये जो क्लोरीन ग्रुप लगा अच्छा, हुआ है सॉल्वेंट चेंज होने से वो, क्या चीज चेंज हो गई? सॉल्वेंट चेंज होने से क्या चीज चेंज हो गई? बेसिक मीडियम चेंज हो गया, फिर क्या हुआ? ना 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 ना, पीएच चेंज हुई। गेट गुड आयशा सर्वर, गुड। पीएच चेंज होती है इसके अंदर किस तरह से, ये देखें। जब आपके पास, आपने अल्कोहल यूज की, मैंने यूज किया आर ओ एच, किसके साथ? के ओ एच के साथ। अब ये बेस थी, ये पार्शियल पॉजिटिव एसिड था, ये दोनों मिलके बन गए वाटर। ये बन गया आर ओ नेगेटिव के पॉजिटिव। पहले यहां पर सॉल्वेंट है वाटर, पीएच ने ओ एच नेगेटिव ने वाटर में रिलीज होना है। यहाँ ओ एच नेगेटिव वाटर में रिलीज नहीं हो रहे, बल्कि वो अल्कोक्सी आयन बना रहे हैं। और याद रखिएगा, अल्कोक्सी आयन सबसे स्ट्रॉन्गर होते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू मैम, हमारी एक मैम होती थी मैम समरा, मेरी जो यहाँ पे क्लास फेलोज और जो जूनियर हैं, वो इसको बड़ी अच्छी तरह समझती हैं। तो जी मरियम, अगर आपको याद हो तो हमें उन्होंने ऑर्गेनिक पढ़ाई थी, आपको नहीं, मुझे याद किसने पढ़ाई थी, लेकिन ये थी अल्कोक्सी। ये जो अल्कोक्सी आयन है ना, ये वाला आर ओ नेगेटिव, ये ओ एच नेगेटिव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ओ एच नेगेटिव इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि इस एच को निकाल सके एज कम्पेयर, तो यहाँ इसकी पीएच जो होती है वो ग्रेटर देन 14 होती है। ये इसका आंसर है, याद रखिएगा। खैर एनीवेज, इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, इस पर बहुत डिस्कशन की जा सकती है। ऑर्गेनिक की डोमेन इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि वी आर नॉट एबल, ये दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है, अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं। अदरवाइज आप इसको फैलाते जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम मैक्सिमम पोटेंशियल लगाएं। मेरा मकसद, मैं फिर बता दूं जी दोस्तों, आपको सिखाना है। वी आर हेयर टू लर्न, हम लर्निंग करेंगे, हम सीखेंगे, हम एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल इसमें आप खुल के क्वेश्चन पूछे, मुझे कोई एतराज नहीं होता है। आज मैंने इसीलिए ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में कर दिया सबके लिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि आप लोग अपनी बाउंड्रीज को पुश करें, डोमेन देखें। कोई बंदा किसी चैप्टर में अच्छा है, ऑर्गेनिक में लोग ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा जी, आपको सर मैंने पढ़ाई थी, ग्रेट ग्रेट बंदे हैं जी वो। मरियम, इस बारे में हम बाद में डिस्कस जरूर करेंगे। ओके जी, चलें जी, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस, इंशाल्लाह वी विल बी विद अस टुगेदर इंशाल्लाह टुमारो विद अवर अदर डेमो लेक्चर। टुमारो वी विल ट्राई टू कवर ऑल द लेक्चर्स रिगार्डिंग, ऑल द लेक्चर रिगार्डिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है? नहीं जी माही, ये बिल्कुल पीपीएससी के लिए नेसेसरी नहीं है। आप लोग मास्टर्स बेस पे अप्लाई करते हैं, पीपीएससी के बाद एडिशनल एक दो तो नंबर मिलते हैं। ओके जी, ठीक है, रेस्ट करें आप लोग, आराम करें, इट्स योर लाइक टाइम टू स्लीप। टेक केयर इट सेल्फ गाइस, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड। अच्छा जी, जिनके जनरल क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, अगर किसी को पूछना है जनरल क्वेश्चन।